कि आप इस बात को मानते हैं सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा दम है, आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाने की हिम्मत रखती है सोशल मीडिया, और एक लड़का है एल्विस यादव जिसे आज एक तरह से एक हस्ती बना के रख दिया सोशल मीडिया ने। अपने ब्लॉग पे वो यूट्यूब पे डेली ब्लॉगिंग करते थे, लेकिन आज के दिनों में वो एक महान हस्ती बन चुके हैं। उनकी कहानी बहुत बहुत बड़ी है, सांप की कहानी है, मंत्रियों की कहानी है, काफिलों की कहानी है, डेली ब्लॉगिंग की कहानी है, डेली रेस करने की कहानी है, बहुत ज़्यादा कहानी है। उसी सब चीज़ों को जोड़ के वो बोलते हैं एक सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम के अंतर्गत सभी को रहना पड़ता है, ऐसा कहना है एल्विस यादव का। अब दरअसल बात यह है कि वो एक यूट्यूब का मीटअप करने गए थे जयपुर। जयपुर पहुंचने के दौरान काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हुआ वहाँ पे, लोगों का मीटअप हुआ वहाँ पे, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट से निकल रहे थे तभी उसी दौरान कहा तो ये जा रहा है, किसी ने उनको कुछ बोला या कुछ गालियाँ दिया, तब जाके एल्विस यादव ने वहाँ पे जड़ दिया एक थप्पड़, वो भी खींच के थप्पड़ मार दिया। अब इसी पे बवाल मचा हुआ है, एक्स पे ट्रेंडिंग पे है एल्विस यादव, गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं कि एल्विस यादव कौन है, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी अब सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये कौन है कौन। अब जिसे आम आदमी जिसे कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या वो अपनी बुलंदियों को संभाल नहीं पा रहे हैं, यही सब जानेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में हम लोग हैं, तो बताइए आकर्ष कि इस तरह से थप्पड़ मारना, एक महान आप हंसती हैं, क्या शोभा देता है इस समाज में इस तरह से चीज़ों को मारना आपको? देखिए एल्विस यादव के ना स्टार्टिंग से बहुत सारे हिटर्स रहे, लोग हमेशा कहते रहे कि यार इसको इतना फेमस क्यों बना दिया, और मैं उनसे हमेशा असहमत रहता था। मैं रहता था यार उसने अपनी व्लॉगिंग करी, अपना अंदाज बनाया, अब वो हरियाणवी बोलता है, थोड़ा अलग अंदाज में बातें करता है, वन लाइनर्स मारता है, लेकिन उसने अपनी ऑडियंस बना ली, तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं थी तब तक। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने मेरे जैसा एक अपना फैन, तो नहीं कहूंगा कि मैं ऐसे फैन नहीं था, बट मेरे को उनसे कोई आपत्ति नहीं थी, वो जो करते थे अच्छा करते थे, लेकिन अब मेरे को उनसे आपत्ति है। रीजन, सबसे पहला रीजन, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, किसी ने कुछ कह दिया, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, गाली भी दे दी, उसके बाद भी थप्पड़ नहीं मार सकते आप, ये नहीं कहता देश का संविधान, अगर कुछ उल्टा सीधा कह देते, एक उल्टा जेस्चर दे देते, वापस गाली दे देते, ये कर लेते, गाली भी देते ना उल्टा पब्लिक सेलिब्रिटी होने के बाद भी, तो भी मैं उनके समर्थन में खड़ा रहता कि यार तेरे को कोई गाली देगा, बदले में एल्विस यादव की छवि ऐसे गाली दूंगा, बट जाके खींच के किसी को थप्पड़ मारना ये कानून के खिलाफ है, ये इस पे धाराएं बनती है। और मैंने वीडियो देखी है, बहुत जोर से थप्पड़ मारा है, एंड अपर बॉडी पे अगर अटैक करते हैं तो जी हाफ मर्डर का भी केस बनता है। इतना बड़ी चोट नहीं है क्योंकि सर पे चोट नहीं लगी, लेकिन धाराओं पे अगर जाए ना, अपर बॉडी पे अगर हमला हो जाए तो उस पे केस बनता है। और ये जो चीज करी है ये तो लकी है वो कि अब तक कोई केस नहीं किया है, वो केस कर सकते थे कि भाई मेरे को मारा है, मेरे को जान से मारने की कोशिश, कुछ भी हो सकता है, केस तो बन सकता है। लेकिन अब आते हैं जो आपने बड़ा मुद्दा उठाया कि वो सेलिब्रिटी है, जी बिल्कुल नहीं संभल रही ना, उनकी बहुत कहानी है, सांपों से रिश्ता है, सांपों से विवाद था इस समय, सांपों से बहुत ज्यादा उनका एक तरह से बताया जाता पार्टी में लेके आते थे सारी चीजें। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने खुद अपनी छवि खराब करी, अब इनके पास था मौका, इतने सारे फैंस जुड़े हुए थे, मनोहर लाल खट्टर ने आके हाथ उठा दिया, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने, इतनी अच्छी छवि बन गई थी अपनी भाषा पे, अपने स्टाइल पे, अपने सिस्टम के मजाक पे आगे चल रहे थे। थोड़े दिनों बाद खबर आई कि स्नेक पॉइजन बेचा जा रहा है। अच्छा। स्नेक पॉइजन जी क्या, स्नेक बाइट क्या? देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को ये एक प्रकार का नशा होता है कि सांप का जो जहर है उससे नशा मिलता है कुछ लोगों को, ये उसको बेच रहे थे और वो काफी महंगा बिकता है, मतलब लाखों करोड़ों की कुछ बात होती है, तो वहाँ इधर उधर कर रहे थे पैसे, कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन एक खबर कहीं से तो आई थी। और अभी मैं क्या देख रहा हूँ, क्या प्रमोट कर रहे हैं इन्होंने, इनका इंस्टाग्राम आप खोल के देखो, इंस्टाग्राम खोल देते हो जी, माई क्रिकेट सर्कल पे भाई बैटिंग का एक नंबर ऐप बताएगा, ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, मार्केट पे एक नंबर का वो करेगा, सारे गलत धंधे प्रमोट कर रहे हैं। पीयूष हमें बताइए कैसा एक तरह से ये, मतलब कौन से हस्ती हुए जो अपने इंस्टाग्राम पे डेली नई नई गाड़ियां लेते हैं, उससे रेसिंग करते हुए नजर आते हैं, बोलते ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या किसी को तमाचा रोक देगा? देखिए वीडियो देखने के बाद अंकित जी ऐसा लगा कि अगर वास्तव में आपके पास सिस्टम है तो किसी में मजाल नहीं कि आपको छू दे, ठीक है, उनके पास सिस्टम है क्या? भाई कुछ सिस्टम नहीं है, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तुम सिक्योरिटी के बीच में, तुमको कोई गाली दे दिया, अब हमको बताओ अगर तुम किसी भी, ठीक है आप वन लाइनर हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप कुछ भी हो, समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से एक मानव का विचार होना चाहिए कि दोनों तरफ के लोगों को बैलेंस करके चले, ठीक है, वो जो उनका हेटर्स था, जो जो भी था,
उसने गाली दी तो उसकी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, कुछ ना कुछ। लेकिन उनको जैसा कि आकाश ने बताया कि उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि देखिए उनके साथ वीडियो में जो है होमगार्ड भी मौजूद है, उनके गनर्स हैं, उनके बॉडी गार्ड हैं, तो ये चीज़ उनको शोभा नहीं देता कि एल्विश यादव उठ करके वो खुद जा करके उनको खींच के थप्पड़ मारे। और बात रही आपकी जैसा सवाल है कि क्या स्टॉक मार्केट या फिर जो वेबसाइट या फिर क्रिकेट बैटिंग जो प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसके विषय में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर आपके पास सिस्टम है तो बाहर की कंपनियों को ना प्रमोट करके कुछ अपना करो, कुछ अपने देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाओ। देश को इकोनॉमिक को कैसे आगे ले जाएंगे जब वो डेली गाड़ियां लेके रेसिंग कर रहे हैं? देखिए गाड़ियां हमारे देश की नहीं, हाँ। गाड़ियां बाहर की, विदेशी बाहर की गाड़ियां हैं, बाहर की गाड़ियां। देखिए यहाँ मैं आपसे थोड़ा असहमत रहूंगा और थोड़ी ना इसकी डिटेल में जाके समझाऊंगा कि कहाँ तक वो सही है और कहाँ वो गलत है। बिल्कुल, गाड़ियों में घूमना कोई गलत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि बाहर विदेशी गाड़ियां, नहीं, वो अगर विदेशी कंपनियों की गाड़ियां हैं, गाड़ियां वो भारतीय हैं। आकाश बस एक चीज क्या बताइए, वो बोलते हैं राम भक्त हैं, ये राम भक्त पे शोभा देखता है? अब ये आते हैं, शोभा नहीं देता। उन्होंने ना देख लिया कि यार अपने जो जिस तरह के लोग उनके साथ जुड़े हैं उन्होंने, लेकिन ये जो ईगो में आके चांटा मारना, अभी बात वीडियो में ही दिख रहा है, साथ में दो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनके अपने बॉडी गार्ड्स हैं, वो जाके धक्का मुक्की भी कराते हैं, क्या गाली दे रहा था, वो भी चलता। लेकिन एक सेलिब्रिटी ऐसा नहीं कर सकता है, आज तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने ऐसा नहीं करा है, अगर किसी ने करा है तो वो विवाद बनना है। उनके कई ब्लॉग्स में हमने देखे हैं कि जो है उनके दोस्त को एंट्री नहीं मिल रही है तो भाई जो है लड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ऐसा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो तब तक भाई आप है कौन, सिस्टम जो भारत का है उसके अंडर आपको रहना पड़ेगा ना। अब तो मैं मान गया कोई सिस्टम नहीं है। देखिए जब तक सिस्टम सोशल मीडिया का एक ट्रेंड था कि एक मजाक है, एल्विश यादव है, सिस्टम है, अगर ये भाई ज्यादा चौधरी बनेंगे जो उन्हीं की भाषा में है तो फिर सिस्टम तो देश का कानून ही है, वो ले आएगा नीचे। ये सब चीजें तो दिखाता है कि आप चौधरी बन रहे हैं। हाँ तो वही तो गलत है, तो नपेंगे फिर ऐसे चौधरी लोग? बिल्कुल नपेंगे और बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं होना चाहिए। इस बारे में चर्चा चल रही है, सिस्टम आपने सुना होगा, सिस्टम का एक तरह से जो पहचान है सांपों से भी है, राम भक्त से है, सारी चीजों को जोड़ के वो बोलते हैं हमारे पास एक सिस्टम है, तो क्या सिस्टम किसी को तमाचा रोक देगा? चलते फिरते आपको यही छोटे छोटे लोग आपको एक हस्तियां बना के रखे हैं, आप उन पे तमाचा मारते हैं, आप उनसे उब गए हैं क्या ऐसे? बट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आपको आपके घर वालों के नाम पे अब्यूज करे, मदर के लिए, सिस्टर के लिए, तो क्या आप उसको चाटा नहीं मारोगे? नहीं, ये मेरे को कोई बोलेगा मैं तो हक से मारूं। एक मिनट, बात यहाँ पे तुम्हारी और मेरी नहीं हो रही है, बात यहाँ पे एक सेलिब्रिटी और एक आम आदमी के बारे में। इंसान नहीं है उसके अंदर भाव? इंसान है। अगर मानो भगवान को तुम अगर कोसते हो, किसी दिन उल्टा आके भगवान ने तुम्हें कोसने लगा तो तुम क्या करोगे? भगवान एक अलग चीज है, एक सेलिब्रिटी। मौनिस का जवाब मैं देता हूं, मौनिस का जवाब मैं देता हूं। दूसरी बात, तुम्हें उस मकाम पर किसने पहुंचाया? अरे भाई हमें रीता श्री, मैं एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, भगवान राम को भी कई लोग कुछ चीजें बोलते हैं, वो राम भक्त हैं, राम भक्त है ना वो, तो फिर अगर उन्हें कोई कुछ बोला भी तो वो क्या थप्पड़ रोक देंगे क्या? नहीं वो बात नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखो, पहली बात तो भगवान में और इंसान में बहुत बड़ा फर्क है, तुम लोग उसको जोड़ रहे हो। यही गलत बात है, यही पॉइंट तुम्हारे साथ मैं गलत बोलना चाहती हूँ। किसने कहा भगवान और इंसान में अलग चीज है? हर इंसान के अंदर भगवान बसा होता है, पहले ये जान लो, ठीक है? तुम कैसे प्रूफ करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम भी एल्विश यादव ने जो किया वो सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने उसको तमाचा मारा वो सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई भी अपने घर वालों के लिए सुनना नहीं चाहिए। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको एक और अभिनेत्रा है, अभिनेत्री है या कुछ भी है, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुमने आज तक किसी को गाली नहीं दिया? मैंने अपने घर में कभी किसी से तू करके भी बात नहीं की। एक मिनट, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, चाहे तुम्हारा किसी को आज तक गाली नहीं दिया? एक मैं बात बता दूं, दिया है कि नहीं? घर में देना एक और हंसी मजाक, अच्छा ठीक है, बहुत फर्क आप लोग आपसी चीजें से हूं कि अगर मैं तुमको गाली दे सकता हूं वैसे बेवजह, तुम कुछ किए रहोगे तब मैं गाली दूंगा। आप ये फैक्ट निकालिए कि उन्हें गाली क्यों पड़ा। नहीं आप वो फैक्ट भी नहीं निकालिए, गाली का जवाब गाली से दे देता, कुछ नहीं कहता। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं क्या भाई? बड़े बड़े हिटर्स आप हैं क्या? हाथ उठाना कानून की ऐसी चीजें, मैं ये चीज आपके हिसाब से कह सकता हूँ कि हाँ उन्होंने हाथ उठाया वो चीज गलत है, बट
लेकिन उनको मतलब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग होगा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ यार हर एक इंसान को पोक किया जाता है। अब देखिए एक अगर ऐसा ही था तो फिर सलमान खान ने अभिषेक का साथ क्यों दिया बिग बॉस में? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग। अभी इसी को प्रूफ किया ना, देखो दोनों में झगड़ा था, दोनों में लफड़ा भी था, फिर भी उन्होंने साथ क्यों दिया? क्योंकि उनका ह्यूमैनिटी बोला कि जो हो गया सो हो गया। लेकिन ठीक है, एक बड़ी आपत्ति की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? वो वीडियो ध्यान से देखिए, आगे गए ईगो सी में आए, एक ना जैसे सिस्टम अपना कुछ दिखा, वो ईगो में चीजें नजर आ रही थी। वापस दी के चार्ट हमारा, ये है ही नहीं, ये कानून के खिलाफ है, ये क्या कहते हैं संविधान के खिलाफ है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, जैसा कि इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बात एक चीज बताओ, अगर वो सच्चा संगीतकार है तो ये वो काम कभी नहीं करता। अरे भाई संगीतकार कहाँ के, संगीतकार कहाँ से होते हैं? संगीतकार आप किसे, आप किसको देखते हैं संगीतकार की, एक बताइए चीज हमें। संगीतकार होता है जो कुछ किस कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अच्छा करे। ये संगीतकार है? संगीतकार नहीं है, गाना वाना कुछ नहीं गाते हैं संगीत। तो फिर ये है क्या, ये है क्या, ये है ये यूट्यूब ब्लॉगर, इन्होंने अपने साथ बंदे जोड़े अपनी जैसी मेंटालिटी के, और लोगों को इनका भाया कॉन्टेंट फनी लगा, उस हिसाब से चलते हंसी मजाक में आगे बढ़ते रहते, जो इनका स्वभाव है ठीक रहता। ये जो सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम जब तक मजाक था, जब तक सोशल मीडिया आया, सिस्टम के जोक्स चल रहे थे, तब तक वो ठीक था। लेकिन अगर ये अपना एक अलग से ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम मेरे से डर के रहो, मैं तो यहाँ का गुंडा हूँ, तो सेलिब्रिटी गुंडा वाले। अब दिखा दिया ना फर्क, अब फर्क दिखा दिया ना। इसी बात को देखो, जो ओरिजिनल एक्चुअली में ओरिजिनल जो संगीतकार बोलो, जो अभिनेता सोनू निगम को देख लीजिए, सोनू निगम हो गए, शंकर महादेवन हो गया, उनको उनको क्या हेटर्स, इनसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है उनकी, इनसे ज्यादा। दूसरी बात है, उन्होंने वो नहीं सोचा कि हम भाई मैं तो कुछ बन गया हूँ, अब तो मैं किसी को भी थप्पड़ भी मार सकता हूँ, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ। जब कुछ बन जाता है ना, आदमी सोच जाता है कि यार कोई नहीं, छोड़ दो इनको, इनको ऐसे ही बनते हैं ना उन्हीं लोगों के साथ। बिल्कुल ये तो सही बात है, ये तो दर्शकों को पता है, दर्शक ये हमेशा से तय कर लेते हैं, ऐसी चीजें करेंगे तो आपको बायकॉट करने में देरी नहीं लगेगी, आप बायकॉट कर दिए जाएंगे। जैसे फैन फॉलोइंग, जैसे आम जनता आपको सर से पैर से उठा के सर में बिठा सकता है ना, वैसे ही आम जनता जो है वो सर से उतर के पैर में भी ढकल। बिल्कुल सत्य बात है ये। अब देखिए, जब यहाँ तक कहानी आ गई तो ये कहानी अभी भी बढ़ते जा रही है। अब अलग अलग लोग उनको सपोर्ट करने में उतर गए कि अखिलेश यादव ने, अभी हमारे कुछ मित्र भी बता रहे हैं, हमारे मित्र हैं, अब हमारे कुछ मित्र ही बता रहे हैं। अब देखिए, दर्शक को ये डिसाइड करना है कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फिर ये चीजें जो चिंता का विषय है कि ऐसे कहा जा रही है यूथ की सोच, किसी यूथ, अभी इन्होंने यूथ को इंस्पायर क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, इन्फ्लुएंसर ही है ना, यूथ को इन्फ्लुएंस किया, हंसी मजाक करने के लिए किया, मेहनत करने के लिए किया, पैसे कमाने के लिए, अब क्या कर रहे हैं? सट्टा खेलने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। क्रिकेट पे उस पर बोलो, स्टॉक मार्केट का वैसे इनको नॉलेज नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, और स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप ढंग की चीजें प्रमोट करें कि यार ये कोर्स कर लो, ये यहाँ से समझ लो, कहने वो टेलीग्राम चैनल है, वो फ्री में टिप देता है, उसको ज्वाइन कर लो भाई फटाफट, मिस इन्फॉर्मेशन है, ऑन रिकॉर्ड जाके कह रहा हूँ, ये कुछ नहीं होता है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं चलता स्टॉक मार्केट, एक टिप से नहीं बनती। सट्टा खेलने पे मजबूर कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के जो गलत धंधे नहीं है वो लीगल है, बट वो कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, आम इंसान को नुकसान होता है उसमें, उस तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है, वो स्नेक बाइट वाली बात आपने देख ली है, सारे गलत धंधों में इनके हाथ ऊपर आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज की। अच्छा एक बात बताइए आप, जो डीएसपी जांच कर रहे थे नोएडा का, उनका भी ट्रांसफर हो गया, जांच भी रुक गई, भाई कुछ तो है, कुछ फिर तो आपके पॉलिटिक्स का ऊपर से हाथ है, फिर पॉलिटिक्स का हाथ है, क्योंकि अब यही कुछ गड़बड़ है, यही ना ही, या तो स्टेट गवर्नमेंट के आपके मिनिस्टर आपके सपोर्ट में है, पूरा के पूरी को नहीं पता कि कौन से गवर्नमेंट कौन से क्या सपोर्ट में है, लेकिन कुछ ना कुछ सपोर्ट तो है, और उनकी तरफ का भी मोटिव क्लियर है ना, उनको बताया कि अखिलेश यादव के साथ कई सारी मिलियन जनता जुड़ी हुई है, और अखिलेश के ना फैन, जैसे कोई कला होती है ना तो उसके फैन अलग होते हैं। अच्छा कला बताइए हमें, क्या कला है उनके पास? देखिए कला गनाई आज उनको, इनके बारे में अच्छे से बताइए, कौन सी कला रखते हैं कि इतने ज्यादा पॉपुलर हैं? कोई कला नहीं है, ह्यूमरस थे, व्लॉग बनाने शुरू किए थे, यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर का जमाना था, ऊपर चढ़ रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लोगों को पसंद आ रहा था, अच्छा बुरा मेरे को नहीं पता, लोगों को पसंद आ रहा था। वन लाइनर बेसिकली लोगों को ज्यादा पसंद आया, और बिग बॉस में गए तो वही वन लाइनर ज्यादा पसंद आया, लेकिन जो दर्शक, जो उनके फैंस है, जो इन्होंने जिनको बिग बॉस तक का सफर दिखाया, उन्हें कहां से कहां नेशनल चैनल तक ले गया, और आप मतलब सभी हस्तियों के फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा लोग उनके चाहने वाले हैं, आपको इन चीजों से डील करना रहता है, आप किसी को तमाचा नहीं मार सकते, ये दर्शाता है, यही चीजें दर्शाता है कि आप
क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, बॉलीवुड में आपका सफर फिर कैसा आगे आगे की ओर कैसा रहेगा, क्योंकि यही सब चीज़ें देख के आप लोगों लोग तय करते हैं कि आप कैसे हैं। बॉलीवुड वॉलीवुड नहीं, अब मेरे को तो लग रहा है डाउनफॉल शुरू हो जाएगा एल्विश का। ये ना अब टिपिकल वही हो रहा है, फेमस हुए केस आने शुरू हो गए हैं और जिस हिसाब की इनको एड्स मिल रही है ना, ये भी खुशी खुशी कर रहे हैं, ये डाउन की तरफ है इनका करियर। अब देखिए इनका करियर कभी उठेगा नहीं, मेरा तो यही मानना है इन्होंने कोई स्किल डेवलप करी नहीं है। एक फैन फॉलोइंग बनाई थी, उसको टूटते हुए टाइम लगता नहीं है। एक और दो इंसिडेंट्स और जैसा ये हो गया ना, खत्म है एल्विश यादव। लोगों को रोस्ट करते करते अब ये लगता है कि कहीं इनको कोई ना रोस्ट करना शुरू कर दे और वो बायकॉट का मुहिम फिर से शुरू हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए ये जो सिस्टम बना रहे हैं ना, ये सिस्टम का पासा उल्टा पड़ेगा अगर ये इन्होंने अपने तौर तरीके ठीक नहीं किए। देखिए मैं इनको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत किसी को नहीं, मैं इनका फैन भी नहीं था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। यार ठीक है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इनके जैसे लोग हैं जुड़ रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, अब गलत हो रहा है। चाटा मारना गलत था, सारी चीज़ें जो पीछे से आ रही है वो भी गलत है, मैंने इन्फ्लुएंस वाली बात भी बताई वो भी गलत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इनको अपने तौर तरीकों में चेंज करने की ज़रूरत है और अब यहाँ ये करियर डिफाइनिंग होगा। अभी भी ये अपनी एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मैं तो न्यू ही हूँ, मैं कोना बदलता, ये वाला एटीट्यूड रखेंगे तो फिर मामला खराब हो सकता है। यहाँ से समझ लेके ठीक करें तो सीढ़ी चढ़ी सकती है, थोड़ा बहुत डीरेल हो जाता है, बड़े बड़े लोग भी हो जाते हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन यहाँ से एक डिसाइडिंग मोमेंट शुरू हो गया है एल्विश यादव के करियर का। चलिए आकाश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जब आपको पॉपुलरिटी मिलती है, बहुत चाहने वाले लोग आपके साथ जब ज़्यादा जुड़ते हैं, आपको संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिए। बात हो रही है एल्विश यादव की, आप देखिए उनको कहाँ से कहाँ तक, उनके छोटे छोटे फैंस कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, और इसी की बदौलत वो मीटअप करते हैं, हजारों की लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए, एक नज़र पाने के लिए लोग पहुँचते हैं। लेकिन आप उनको तमाचा मार दें, ये कतई ये छोटे लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको डील करना पड़ेगा उन चीज़ों को। हालांकि जो बड़े बड़े सेलेब्स हैं बॉलीवुड के, उनको भी लोग कुछ ना कुछ चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन आपको यही सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं। अब आगे किस तरह से एल्विश यादव इसको देखते हैं, उनके फैंस कैसे देखते हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म।